हाई एवरी वन दिस इज रौनिका आज हम बात करने वाले हैं एट नाइन्टी मिलियन ईयर ओल्ड स्पॉन्ज फॉसिल की और हो सकता है अभी तक की जो हमारी नॉलेज है कि फर्स्ट एनिमल कब अर्थ पे अपेयर हुआ वो भी चेंज हो जाए इसके बाद एट नाइन्टी मिलियन ईयर ओल्ड स्पॉन्ज फॉसिल मिलने का दावा किया जा रहा है uh, ये हम डिटेल में बात करेंगे कि इस क्या है स्पॉन्ज फॉसल क्या होता है आपकी कोई भी क्वेरी हो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज़ आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा अब देखिए एक कैनेडियन जियोलॉजिस्ट हैं वो दावा कर रहे हैं कि शायद उन्होंने अर्लीस्ट फॉसल रिकॉर्ड जो एनिमल लाइफ का अर्थ पे है वो ढूंढ लिया है और ये जो पूरा पेपर है उसको पब्लिश किया गया है जर्नल नेचर में अब नेचर में कोई भी पेपर पब्लिश होता है तो वो यूं ही नहीं हो जाता उसके बहुत मायने होते हैं उस बात में कोई ना कोई फैक्ट होता है अब देखिए हम क्यों पुराने फॉसिल्स की बात करते हैं इससे हमको एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है कि हर एनिमल हर स्पीशीज़ जो आज अर्थ पे है उनका कोई ना कोई एंसेस्टर है वो कहीं ना कहीं से धीरे धीरे इवोल्व होकर आए हैं आज हम जैसे दिखते हैं हमेशा से ऐसे नहीं थे वी हैव इवोल्व अ पीरियड ऑफ टाइम तो इसी तरीके से एवोल्यूशन के बारे में हमको बहुत अच्छे से पता चलेगा ये पता चलेगा कि किस तरीके से और हमारी डाइवर्जेंस की जो थियोरीज हैं कि कब डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स अपने पाथ से डाइवर्ट होकर अलग अलग स्पीशीज बनते गए किस तरह से एनिमल इवॉल्व हुए ये सब हमको मालूम पड़ेगा वैसे मैं आपको बता दूँ कि अर्थ ये माना जाता है थ्री पॉइंट सेवन बिलियन ईयर्स ओल्ड है कितना थ्री पॉइंट सेवन बिलियन ईयर्स ओल्ड तो यहाँ पे आपको आर्टिकल में ही देखो कितना एट नाइनटी मिलियन ईयर ओल्ड हम स्पॉन्ज फॉसिल को मान रहे हैं अदरवाइज़ ये माना जाता है कि सबसे पुराना फॉसिल हमारा 540 मिलियन ईयर्स ओल्ड है 540 मिलियन ईयर्स ओल्ड का मतलब है उस टाइम कौन सा टाइम था जो आपका कैम्ब्रियन ईरा था ठीक है कैम्ब्रियन ईरा था वो चल रहा था कैम्ब्रियन ईरा ही आपका टाइम था जब आ, उसके बाद ही आपके एग्जोस्केल्टन स्केल्टन शेल्स एनिमल में बिल्ड होना शुरू हुए कैम्ब्रियन ईरा के बाद ही अब 540 मिलियन की जगह हम बोल रहे हैं कि जो अब हमको मिला है ये 890 मिलियन ईयर पुराना है यानी प्रेजेंट जो ओल्डेस्ट अनडिस्प्यूटेबल स्पॉन्ज है उससे अराउंड 350 मिलियन ईयर ओल्ड यानी कैम्ब्रियन एरा से पहले का पहले का यानी बहुत पहले का ओके आई होप ये चीजें आपको क्लियर है स्पॉन्ज लाइक फॉसिल कुड बी अर्थ अर्लिएस्ट नोन एनिमल अब स्पॉन्ज बेसिकली फाइलम पॉरेफरा के हैं ये एनिमल्स मेटाजोन्स इनको कहा जाता है मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ही हैं जैसे वाटर इनलेट एंड आउटलेट का इनमें स्ट्रक्चर रहता है बहुत ही छोटे छोटे एनिमल्स हैं ये स्पॉन्जेस बोला जाता है अब फॉसिल क्या है फॉसिल से आप समझते हैं रिमेन्स कोई भी डेड एनिमल्स हैं जो कभी जिंदा रहे होंगे रिमेन्स ऑफ वंस लिविंग एनिमल्स कभी जिंदा रहे होंगे या प्लांट्स उनको हम फॉसिल कहते हैं और ये हमारे एनसेस्टर्स ऑर्गेनिजम्स के एनसेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और फॉसल की भी अलग अलग टाइप्स हैं कैटेगरीज हैं ट्रेस फॉसिल्स ट्रेस फॉसिल्स का एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट एविडेंस हमको किसी चीज़ का इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है कोई ऑर्गेनिजम्स अपने फुटप्रिंट्स छोड़ के तो हमें पता लगता है ओके इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म कभी था या बोरोज मिलती हैं फोसलाइड फीसेस मिलती हैं वेस्ट मटीरियल मिलता है किसी पुराने एनिमल का तो उनको हम ट्रेस फॉसिल्स कहते हैं मॉल्स एंड कास्ट मिलते हैं इम्प्रेशन कि किसी ने कहीं पे पाँव रखा उसका इम्प्रेशन मिल गया या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म वहाँ था उसका मोल्ड बन गया सेडिमेंट में रिप्लेसमेंट रिप्लेसमेंट मतलब कोई ओरिजिनल मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म का है वो अब रिप्लेस हो चुका है मिनरल के क्रिस्टल्स के द्वारा उसके रेप्लिका हार्ड या सॉफ्ट पार्ट्स के रेप्लिकाज बन गए हैं पेट्रीफाइड और पर मिनरलाइज्ड क्या हो गया एम्टी पोर स्पे स्पेसिस जब मिनरल से फिल हो जाती है जैसे पेट्रीफाइड वुड कोई बहुत पुरानी लकड़ी आपको मिलती है एम्बर प्रिजर्व ट्री सैप्स ट्री के सैप्स में कोई इंटायर ऑर्गेनिज्म आपका प्रिजर्व हो गया ट्रैप्ड ऑर्गेनिज्म ओरिजिनल मटेरियल की पूरा का पूरा ममीफाई हुआ हुआ फ्रीज प्रिजर्व आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिल गया ऐसे फॉसिल्स में मैंने रिसेंटली भी लाइन केव लाइन पे बनाया था कि केव लाइन रशिया के सर सर्व, सर्बियन एरिया में मिला है तो ये आपके ओरिजिनल मटेरियल हो गए मेजर ग्रुप जो एनिमल्स के हैं जैसे आर्थ्रोपोड्स हो गए मॉल्स हो गए वर्म्स हो गए इनके फॉसिल रिकॉर्ड हमको कैम्ब्रियन मैंने आपको कैम्ब्रियन ईरा बताया तो हम यही मानते हैं कि 540 541 मिलियन ईयर्स अगो इनके फॉसिल रिकॉर्ड्स हमको मिले हैं बट अब जो ये पेपर नेचर में पब्लिश हुआ है स्पॉन्ज फॉसिल नॉर्थ वेस्टर्न कैनेडा नॉर्थ वेस्टर्न कैनेडा है जहाँ पे आपके स्टीप फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं किसी समय में वहाँ पर वहाँ से हमको ये फॉसिल जो स्पॉन्ज फॉसिल की हम बात कर रहे हैं वो मिला है और बी थ्री फिफ्टी मिलियन ईयर्स ओल्डर है कि हम वैसे बोल रहे हैं कि ये आज तक हम मानते हैं कि फाइव फोर्टी मिलियन ईयर ओल्ड एनिमल्स के फॉसिल हमें मिले हैं ये उससे भी थ्री फिफ्टी मिलियन ईयर पुराना दावा किया जा रहा है अराउंड बिलियन ईयर अगो द रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट कैनेडा नाउ डिफाइंड बाई स्टीप माउंटेन्स। मैप में मैं आपको दिखाऊंगी जो आज आपका नॉर्थ वेस्ट कैनेडा है किसी समय पे, जिनको हम आज स्टीप माउंटेन्स बोला जाता है किसी टाइम पे ये प्री हिस्टोरिक टाइम पे मरीन इन्वायरमेंट यहाँ पर रहा होगा समुद्र रहा होगा आज वहाँ पर माउंटेन्स हैं यहाँ पर हमको एंशियंट स्पॉन्जेस मिले हैं मिनरल सेडिमेंट में preserved. और प्री हिस्टोरिक मरीन लाइफ आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके की दिखती होगी अब जियोलॉजिस्ट जिन्होंने ये काम किया एलिजाबेथ टर्नर उन्होंने रॉक्स में रिमोट रीजन में नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज की हेलीकॉप्टर के थ्रू ही जो एक्सेसिबल हैं यहाँ पे एक्सकेवेटिंग उन्होंने नाइनटीन में ही शुरू की थी थिन सेक्शनस रॉक के यहाँ पर तीन डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स जो कि आज आपके जैसे स्पॉन्ज के स्केल्टन हैं उनसे मिलता जुलता उनको मिला है तो नॉर्थ वेस्ट कैनेडा आपके ये स्टीप माउंटेंस यहाँ पर हैं ये इस एरिया की हम बात कर रहे हैं <coughs> कि वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पे नाइनटीन से एक्सकर्वेशन कर रही हैं अब उनका मानना है कि एट नाइनटीन मिलियर ओल्ड ओल्ड ये सैम्पल्स हैं एडजस्टिट रॉक क्लेयर्स में हैं तो ये इंडिकेट किया जा रहा है अब डेफिनेटली इस पर डिबेट्स होंगे सब लोग इतने ईजीली नहीं मानेंगे और रिजल्ट निकल के सामने आएगा बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि फर्स्ट एनिमल ग्रुप्स सॉफ्ट स्पॉन्जेस या स्पॉन्ज लाइक्स क्रिएचर्स जिनके मसल्स नहीं होती नर्व्स नहीं होती लेकिन एनिमल से मिलते जुलते बाकी फीचर्स होते हैं सेल्स होते हैं डिफ्रेंशिएटेड फंक्शंस होते हैं वो इतनी देर पहले नहीं आए थे अभी उनको ये डाल रीफ में मिला है फ्लडेड वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड में वो ये सैंपल लेके आई हैं लेकिन मॉडर्न रीफ से जो आज कोरल कोरल रीफ्स आप देखते हैं ना कैसे बनते हैं वो कैल्शियम का उनका स्केल्टन होता है एलगी के साथ अटैच होते हैं उस टाइम पे साइनोबैक्टीरिया ने ये कोरल्स जो हैं वो बनाए थे और स्लाइमी शीट्स थी इस तरह के माउंडस वहाँ पे बने पड़े थे तो माइक्रोस्कोपिक जांच इसकी गया है वंडरफुल शेप्स निकल के सामने आई हैं क्रिस्टलिन ट्यूब सीन इन रॉक्स माइट हैव बीन व्हेन द कोलेजन लाइक स्कैल्टन ऑफ एट नाइनटी मिलियन ईयर ओल्ड स्पॉन्ज डिकेड एंड फोसिलाइट्स तो मिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब इसको देखा जा रहा है तो इस तरह की शेप्स निकल के सामने आ रही हैं जो आज के मॉडर्न स्पॉन्जेस से मिलती हैं सम स्पॉज हैव स्केट्टन मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक रॉड्स ऑफ क्वाट्स एंड कैल्साइट कुछ स्पॉन्जेस के स्केल्टन ऐसे हैं जो कि क्वाट्स और कैल्साइट से मिलते जुलते हैं बाकियों के स्केल्टन जो है वो प्रोटीन है स्पॉन्जनिन स्पॉन्जिन uh, उससे मिलती जुलती है तो एक कॉम्प्लेक्स थ्री डी स्ट्रक्चर मेशवर्क जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर नज़र आ रहा है और अभी जो मिले वो हॉ हॉर्नी स्पॉन्जेस आपको ज़्यादा मिले हैं इस तरह से आप देख सकते हैं branches, आपको दिखेगा स्पॉन्जेज में और ये अभी की डिस्कवरी है और इफ़ फॉसिल फॉसल शो अ टाइप ऑफ स्पॉन्ज और एक्चुअली अगर ये स्पॉन्जेज हैं तो इनकी एज आज तक की जो हमारी जानकारी थी पुराने सबसे फॉसिल्स की एनिमल्स की ये उससे पहले चले जाएंगे जब अर्थ पे आप देखिए ऑक्सीजन भी शायद इतनी प्रेजेंट नहीं थी तो दो एपिसोड्स हो सकते हैं प्लानेट की हिस्ट्री में उस टाइम पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बाद में इंक्रीज हुई है 830 टू 540 मिलियन ईयर्स के बीच में उस टाइम ऑक्सीजन भी इतनी नहीं थी और दूसरा बहुत ही कोल्ड टाइम था अर्थ में ओशन्स भी जितने आपको एनिमल लाइफ के लिए अर्थ पे चाहिए उतने नहीं थे आ, उस तरीके के कंडीशंस अर्थ पे उस टाइम नहीं थे तो यहाँ पे हमारी पूरी जो नॉलेज है यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगी हमको पता चलेगा कि एनिमल्स कम से कम ऑक्सीजन में भी ये जो उस टाइम के एनिमल्स हैं स्पॉन्जेस हैं ये सर्वाइव किए हैं ओके तो टर्न नोटेड दैट जेनेटिक रिसर्च इंडिकेट्स दैट स्पॉन्जेस फर्स्ट अपियर एट एक्सपो अप्रॉक्सिमेटली द टाइम टू विच दिस फॉसल स्टेट तो जो हम स्पॉन्जेस के बारे में ऐसे भी पढ़ते हैं तो जेनेटिक स्टडीज रिसर्च हमको यही दिखाती है जो अब हमको स्पॉन्जेस टर्नर ने ढूंढे हैं वो इतने ही पुराने हैं ये वो दावा कर रही हैं बट लेट सी कि साइंटिफिक कम्युनिटी का इस पर कंसेंसिस कब तक होगा तो यही था आज का कि ओल्डेस्ट फॉसल स्पॉन्ज जिसको माना जा रहा है वो मिला है और ये पेपर जर्नल में छपा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स कैल्टर एलिमेंट्स एंड माइक्रोबोन माफोलॉजी इज कॉल एथियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी जियोलॉजी हेरपिटोलॉजी तो आप बताइए कि क्या है और बाकी ये कौन से ब्रांचेज हैं किससे बिलोंग करते हैं इसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं टेलीग्राम पे वहाँ पे पोल होगा उस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाकी आप वेबसाइट विजिट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए या जो नंबर्स आप नीचे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस पर कॉल करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं थैंक यू सो मच